लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, आज है सावन का चौथा सोमवार। तो यहाँ पर अभी हो रही है मेरी सुबह की पूजा, सब हो चुका है, हवन आरती वगैरह सब हो गया है। तो ये देखिए धुआं जो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी हवन वगैरह हुआ है नीचे, तो उसका धुआं आ रहा है इधर। तो पूजा वूजा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ स्माइली के स्कूल के लिए लंच। और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मैंने हींग डाली है, जीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है, थोड़े से कड़ी पत्ता तोड़ के डाला है, एक हरी मिर्च डाली है। तो बस इन सबको ना हल्का सा भून लेना है। और आलू के पराठे मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मतलब वैसे भी कभी कभी जल्दी होती है ना ज़्यादा, तो नॉर्मल स्माइली के लिए ना सिर्फ आलू बॉईल करके और उसी में थोड़ा सा मसाले ऐसे सूखा डाल के, नमक डाल के भी बना देती हूँ। बट आज मैं थोड़ा ऐसे बना रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैं सबके लिए बनाती हूँ, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से मसाले भी डाल दिए हैं, जैसे हल्दी और गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैश करे हुए आलू मिक्स कर दूँगी इसमें, और साथ में हम ऊपर से इसमें डालेंगे अभी थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके डाल दूँगी मैं इसमें, क्योंकि हरा धनिया भी नहीं है घर में, ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट भी अच्छा आता है, मतलब अच्छी खुशबू आती है इसको डालने से। और फिर थोड़ा सा में नमक डाल दिया है। तो मोस्टली आपने देखा ही होगा मेरे आलू के पराठे में, मैं इसी तरीके से पूरा रेडी करती हूँ पहले, फिर उसके बाद बनाती हूँ। तो ये मैंने पूरा देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाए, क्योंकि जल्दी है, स्माइली को नहलाना है, फिर कपड़े वगैरह भी पहनाने हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा ठंडा होने का वेट नहीं किया, बस साइड में रख दिया है। और फटाफट से यहाँ पर एक पराठा सेक ले रही हूँ स्माइली के लिए। बन चुका है स्माइली का पराठा, उसके बाद उसको नहला धुला के रेडी करके स्कूल भेजा, और अब देखिए स्माइली आ गई है। ये आ गई है हमारी रानी बेटी स्कूल से। ये बालों का क्या हो जाता है बेटा, मैंने कितनी अच्छी दो चोटी बनाई थी, आगे से क्या कर लिया? ये हेड डाउन करवाती है 3 दिन से। हेड डाउन करवाती है इसलिए? हाँ, बातें नहीं करते आसिर। और आज किसके साथ बैठी थी? आसिर। आसिर के साथ? और फिर नीचे आई मैंने ना हाथ। सीधे तो खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। चलो आओ, उतारो यूनिफॉर्म, चेंज करो। अरे अरे, आराम से आराम से आओ आओ। चलो अभी चेंज करो। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। एक्चुअली स्माइली गई है बाहर साइकिल लेके, और साइकिल लेके गई है, वैसे तो स्टार्ट हो गई है, वो नीचे गई है, 5 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई है। तो स्माइली को वही मैं देख रही थी कि बारिश में भीग तो नहीं रही है कहीं। तो फिलहाल उसने साइकिल जो है साइड में लगा दी है बिल्डिंग के पास, और वो बैठ गई है, वहां पे बैठने का है उधर, तो वहां पे बैठी है, क्योंकि बारिश हो रही है, देखिए हल्की हल्की सी। आज मेरा फास्ट भी है, और सुबह से ब्लॉग तो मैं शेयर कर ही रही थी, बट मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रही थी। और जस्ट अभी मैं अपलोड करके अब मैंने फोन उठाया, मैंने कहा अब बनाऊं आगे का ब्लॉग। तो बस अभी शाम का टाइम है, तो मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। स्माइली आई, और फिर जिस दिन मैं ब्लॉग एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मुझे टाइम का पता नहीं लगता। अभी जस्ट अपलोड हुआ ब्लॉग, ये देखो सारा स्माइली का यूनिफॉर्म वगैरह, बैग, स्कूल का सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं फटाफट झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और स्माइली को भी यहाँ पे इसमें मैं देखती रहती हूँ साथ के साथ, कि कहीं बारिश में तो नहीं भीग रही, क्योंकि उसको तो बड़ा शौक है बारिश में भीगने का, पता ही है बच्चों को होता ही है। कह रही थी रेनकोट पहन के जा रही हूँ, लेकिन साइकिल चलाने जाऊंगी आज, तो फिर मैंने भी भेज दिया, क्योंकि बारिश उस टाइम हो नहीं रही थी। इतनी मस्त हवा चल रही है, एकदम तेज वाली हवा चल रही है, और सामान भी गिर रहा है, पानी की बोतल थी काली वो गिरी है। तो मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है जब बारिश आती है ना, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा और ठंडक हो जाती है कुछ। पिछले अभी ना
दो तीन दिन पहले जो है ना बारिश नहीं हो रही थी, इतनी उमस इतनी गर्मी हो गई थी, बट अभी जब से बारिश स्टार्ट हुई दो तीन दिन से मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है। लिल्ली का बैग वैग सब मैडम आके ऐसे ही फेंक देती है। वो लिल्ली का हॉलीडे है, कल है मुहर्रम, तो ये ड्रेस भी उसकी मैंने तय तो लगाती थी जब आई थी, उतार के तुरंत ही। स्माइली आ जाओ घर आ जाओ। वहां पर क्या, तो ये देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा मैंने एरो भी लगा दिया, वो बैठी आराम से चेयर पे उधर बारिश में स्माइली बाहर। और अब मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग, सफाई करूँगी। उससे पहले ये मैंने सुबह हवन किया था जिसमें, तो ये यहाँ पे मैंने इस वाले रूम में भी रख दिया था क्योंकि मैंने कपूर लोवान वगैरह मैं जलाती हूँ जिस दिन सोमवार को हवन करती हूँ, तो पूरे घर में इधर उधर थोड़ा सा उसका धुआं लगा देती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम भी है ना, तो वैसी महक सी स्मेल सी आने लग जाती है, सीलन सीलन सी हो जाती है। तो बस वही रख के आई हूँ अभी मंदिर में, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और स्माइली तो अभी फ़िलहाल नीचे ही है, खेल खेल के ही आएगी वो, तब तक मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, फिर शाम की पूजा वूजा करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, शाम को व्रत में खीर बनाऊँगी, आज सिवई बनाऊँगी, उस दिन साबूदाने की बनाई थी आज सिवई की बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे अब मेरा दिया लग रहा है शाम का, आरती वारती जो होती है, तो ये मेरी हो गई है पूजा, तुलसी में दिया भी रख दिया है। और उसके बाद यहाँ बन रही है मेरी अभी सेवई, तो सेवई को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ पहले इलायची घी डाल के, इलायची डाल के, और ये दूध भी गर्म हो रहा है साइड में, तो ये गर्म दूध ही मैं इसमें डाल दिया, ये देखिए, तो बस दूध डाल दिया है, फिर डाल देंगे इसमें चीनी लास्ट में, बस खीर बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन रही है, मैं पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ साइड में, आटा भी लगा के रख दिया है, तो अभी सब्जी में डाल रही हूँ मसाले और नमक डाल दूंगी क्योंकि सब्जी में टमाटर वमाटर सब डाल दिया था मैंने, बस मसाले डालेंगे और 10 मिनट लगेंगे सब्जी को पकने में। और यहाँ पर अभी मैं निकालने जा रही हूँ पूड़ी, क्योंकि सब्जी बनती रहेगी तब तक यहाँ पे मैं साइड में जो है अपने लिए पूड़ी निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी ये लोग तो कोई भी खाना नहीं खा रहे हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल अपना पहले खा लूँगी क्योंकि मेरा व्रत होता है, तो मैं उस दिन थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ खाना। तो बस वही यहाँ पे मैं अभी पूड़ी निकाली हूँ, तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए साथ में। बस बन गया है देखिए यहाँ पे खीर पूड़ी, और अब मैं आई हूँ यहाँ पे भगवान को पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद जो है मैं खाना खाऊंगी। तो बस वही यहाँ पे देखिए मैंने भोग लगा दिया है, और स्माइली को भी खिलाऊंगी अब मैं, और फिर उसके बाद जो है मैं खाऊंगी। तो ये मेरा यहाँ पे अभी व्रत खोल रही हूँ मैं, तो देखो स्माइली पहले ही आके बैठी है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे खिलाएं। अपनी प्लेट में खीर पूड़ी ले लिया है, और स्माइली भी खा रही है खाना, मैं भी खा रही हूँ, तो चलिए हम लोग अपना, ये मुझे भी खिलाएगी। नहीं बेटा आप खा लो, मेरे को नहीं खाना, मैंने मेरा पैर में छूते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा तो खाना हो गया है क्योंकि मेरा व्रत था, तो मैं जल्दी खाना खा ली थी, और अभी बाकी सबके लिए मैं बना रही हूँ। स्माइली ने भी आधा खाया है, स्माइली ने आधा रह गया उसका, उसने खीर में ना दो पूड़ी खा ली है, वैसे खाएगी तो एक आधी पूड़ी खाएगी, बस छोटी छोटी दो पूड़ी खाएगी। तो मैं अभी बना रही हूँ पूड़ी और निकाल भी जा रही हूँ क्योंकि तो मेरा व्रत था ना, इसलिए आपको जल्दी खा ली, सबसे पहले खाना खा के फ्री हो गई हूँ। और मैं यहाँ पे ना फिलहाल आप लोगों से ही बात कर रही थी, लेकिन पीछे ना बारिश और गाड़ियों की वजह से ना सुनाई नहीं पड़ रहा था, तो मैंने अपनी वॉइस यहाँ से हटा दी है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि खाना वाना खाने के बाद ना बहुत आलस आता है व्रत वाले दिन, तो बस अभी देखिए खाना सर्व कर लिया है फिलहाल यहाँ पे, और मैं देख के आ जाती हूँ जल्दी से खाना, और फिर आप लोगों से फिर मिलती हूँ मैं सारे काम करने के बाद। बाहर का देखो मौसम मस्त हो रखा है, दिख रहे होंगे बादल, देखो आसमान कैसा हो रखा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा आज का व्लॉग, आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज स्माइली भी आ गई, ये देखो। हाँ चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।